देख ट्रैफिक जाम कर रहे लाए, निकाल उसको। पंगा हो गया छोटा सा गाइस। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू रिशल कोरिया। तो कैसे हो भाई लोग, आई होप कि सारे भाई बढ़िया होंगे। आज निकल रहा हूँ गाइस एक संडे राइड पर। संडे राइड देखते हैं कहाँ की होगी कहाँ की नहीं। अक्की भाई और अज्जू भाई मेरा वेट कर रहे हैं। बाकी की बातें करते हैं बाइक के ऊपर आकर। ओहो एल्टो, एल्टो वाले भैया ऑन फायर है भाई। काफ़ी दिनों के बाद राइड कर रहा हूँ तो मज़ा आ रहा है। भाग रही सुबह सुबह ब्रेकर्स। एक मिनट कॉल आ रहा है लग रहा है। हनुमान सर्किल हो भाई। हाँ टेल को आओ ना। ठीक है बस पहुंच गया। ये लोग तो यार पहुंच गए टोटली टेल को सर्किल। मुझे लगा था मैं जल्दी हूँ लेकिन मैं तो लेट हूँ। चल बेटी किस्मत भाग। आज ये लोग मुझसे भी पहले बाजी मार गए यार। अपन ने सर्दी की वजह से ना तो एक दो महीने तक राइड नहीं की थी, लेकिन अभी का सीन ये है कि अब तुम्हारे भाई ने ठान लिए जगह जगह की राइड कर दूंगा, जगह जगह की। और डेली व्लॉगिंग भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। डेली व्लॉगिंग आएगी तुम्हारे भाई की। अब यहाँ मोड तो लीन करने लायक है लेकिन लीन होगी नहीं, क्योंकि मैं आया हूँ गाँव से, टायरों में लगा हुआ कीचड़ नहीं मिट्टी के हो रखे हैं थोड़े। तो मुझे लगता है जब तक आपके टायर अच्छे से साफ ना हो तो आपको लीन करना ठीक नहीं रहेगा। मैं छाया में दिख रहा हूँ इधर। अपने अलवर का थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूँ आपको। दिस हैव अ लुक, देखो पूरा अलवर किस तरीके से दिख रहा है। ज़्यादा ऊंचा पुलिया नहीं है ये, इसका व्यू तो मोती डूंगरी से आता है बढ़िया वाला। मोती डूंगरी काफ़ी हाइट पे है यार, इस वजह से वहाँ से व्यू अच्छा आता है अलवर का। ये आया अपना टेल को सर्किल। और किस तरफ खड़े हैं भाई लोग, रुकना पड़ेगा इधर। किस तरफ खड़े हैं वो लोग, कहाँ है? मैं तो टेल को सर्किल आ गया। टेल को है क्या? हाँ पंगा हो गया छोटा सा गाइस। मैं खड़ा हूँ उरली तरफ और ये लोग खड़े हैं परली तरफ इसी टेल को पे। अब मुझे उस तरफ जाना होगा। हाँ इस तरफ होंगे ये लोग, रेलवे फाटक की तरफ बुला रहे हैं। भाई मैं उस तरफ खड़ा हुआ हूँ, तुम्हारा वेट वहाँ कर रहा हूँ मैं। अच्छा नहीं 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 छपरी 2 छपरी 3 छपरी प्रो मैक्स। ये बढ़िया था गुरु। तो भाई लोग सारे भाई आ चुके हैं, ड्यूक 390 RS 200 और NS 200 और अब्बा की अपनी तो है ही R15। अज्जू राइडर बाइक को साफ कर रहे हैं। घर पे टाइम नहीं मिला क्या बाइक साफ करने का? घर पे टाइम नहीं मिला क्या? देख ट्रैफिक जाम कर रहा है, निकाल उसको भाई। ये अजीब बंदा है यार। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। ये बोल रहा हूँ घर पे टाइम नहीं मिला क्या बाइक साफ करने को? उठ के और तुरंत आ गया। ओहो ओहो देखो गाइस ये है बाइक लवर, इनको बोलते हैं बाइक लवर। चलती हुई बाइक को साफ कर रहा है लौंडा। नाइस भाई लोग, अभी हैं बामन मोड़ के थोड़ी पहले और कुछ चाय नाश्ता के लिए अपन ने ब्रेक लिया एक छोटा सा। सारे भाई कचौड़ी वगैरह खा ली इन्होंने, कुछ खा रहे हैं। अपन ने तो खाई देखो कचौड़ी और चाय।
भाई लोग खा रहे हैं समोसा, मसाला छोड़ा है। हाँ मसाला मेरे को पसंद नहीं है ना, मैं मसाला नहीं खाता। कैसे लग रही है यहाँ की भाई कचौड़ी? एक नंबर। सीन खराब है आपकी। ठीक है भाई, सो ये निपटाओ फिर चलते हैं ऊपर पहाड़ी के। तो भाई लोग चाय नाश्ता अपन ने कर लिया है और अब निकलते हैं यहाँ से उस पहाड़ी के ऊपर, क्योंकि 2 महीने के अंदर बाइक भी मुझे बोलने लगी है कि पहाड़ों पे कब लेके चलोगे, तो इसको पहाड़ों पे आज घुमाना है अपने को। अलवर यहाँ से 22 किलोमीटर है, यहाँ से अपने को सीधा जाना है। यहाँ से व्यू देखिए कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, और अभी तो और ऊपर जाना पड़ेगा हमें। देखिए पूरा व्यू गांव का, जो इस घाटी के आजू बाजू जितने भी गांव लग रहे हैं ना, उनका व्यू नोटिस कीजिए यहाँ से। और ये वो मंदिर है जिससे अभी हम क्रॉस हुए थे, वो देख रहे हो ना गाइस आप। और ऊपर लेकर चलते हैं आपको। लड़का अपनी रील निकालता हुआ मस्त एकदम, मैं भी निकलवा लूँ फटाक से एक दो रील। एक और मंदिर है यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे भी मंदिर बना हुआ है आप देख सकते हो, ये देखें। भाई लोग अभी हैं बावन मोड़ की ऊपर चोटी पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर चल रही है कोल्ड ड्रिंक और सारे भाई लोग बैठे हुए हैं। और अब चलते हैं यहाँ से, थोड़ी सी यहाँ पर मस्ती करेंगे। वो लोग आज का एंजॉय हो चुका है, और ये रहा पूरा अपना लाइन अप। अज्जू राइडर आ रहा था लेकिन वो किसी कारण चला गया, ये अज्जू राइडर नहीं है, ये अक्की राइडर है। तो भाई आपने ये वाला भी लोग काफ़ी एंजॉय किया होगा, एंजॉय किया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी अपन मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ एंड लाइफ सेफ, बाय।